राहुल त्रिपाठी के कैच पर हुआ बवाल। अंपायर के फैसले ने सभी को चौंकाया और पंजाब ने कोलकाता को 5 विकेटों से हराया। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए मुकाबले में पंजाब ने 5 विकेटों से रोमांचित जीत हासिल की, परंतु कोलकाता के खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी के कैच पर बवाल हो गया, क्योंकि उस कैच पर लगभग जीत और हार तय थी। आईपीएल 2021 के 45वें मुकाबले में पंजाब किंग्स की पारी के 19वें ओवर में जब पंजाब जीत तलाश रही थी, तब ओवर की तीसरी गेंद पर पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने शॉट खेला और हवा में लहराती हुई गेंद को कोलकाता के खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी ने आगे की तरफ छलांग लगाते हुए कैच लपक लिया। काफी लो कैच होने की वजह से डिसीजन थर्ड अंपायर के पास पहुंचा और अंपायर ने केएल राहुल को नॉट आउट दे दिया, क्योंकि थर्ड अंपायर का मानना था कि गेंद ग्राउंड से टच हुई है, जिस पर कमेंटेटर्स अंपायर के डिसीजन से नाखुश दिखे, क्योंकि रिप्ले में यह साफ दिख रहा था कि गेंद के नीचे राहुल त्रिपाठी की उंगली आई थी। अगर केएल राहुल उस वक्त आउट हो जाते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। अंपायर के इस डिसीजन से सभी चौंक गए और ऐसी अंपायरिंग की हर तरफ आलोचना हो रही है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।